Hey guys, welcome to my channel Textbook. Today we are going to study the next topic, that is understanding mind and behavior. So previous video में हमने पढ़ा था कि जो mind और brain होता है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, but दोनों अलग अलग exist नहीं कर सकते, दोनों एक साथ ही exist करते हैं. Brain जब काम करता है हम बोलते हैं कि brain activate है, brain काम कर रहा है. इसका मतलब है कोई brain के अंदर एक mind नाम की चीज़ होती है जो काम कर रही होती है. जैसे हम पढ़ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, इसका मतलब हमारा mind काम कर रहा है. So आज हम माइंड और ब्रेन के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे. माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन, बट माइंड इज़ अ सेपरेट एंटिटी. यहाँ पे एंटिटी का मतलब है थिंग. तो जो माइंड होता है वो ब्रेन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो माइंड है वो अलग चीज़ है और जो ब्रेन है वो अलग चीज़ है. सो अब इन दोनों को अलग अलग क्यों कहा गया है? क्योंकि ब्रेन को हम देख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो माइंड है हम उसे नहीं देख सकते और माइंड का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता. सो जो डॉक्टर होते हैं वो जब सर्जरी करते हैं तो ब्रेन की सर्जरी करते हैं, लाइक ब्रेन को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन वो माइंड की सर्जरी नहीं कर सकते. इसीलिए जो माइंड और जो ब्रेन होता है दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं. सो आगे बुक में यहाँ पे तीन केसेस दे रखे हैं जिनसे हमें ये पता मतलब समझ में आता है कि अगर ब्रेन का आधा पार्ट डैमेज होता है और अगर हम उसे रिमूव भी कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो माइंड है वो भी आधा काम करेगा. जो माइंड है यहाँ पे पूरे तरीके से काम करता है. So let's start with the first case, that is some patients whose occipital lobes which are responsible for vision were surgically removed have been found to be responding correctly to location and configuration of visual cues. सो कुछ यहाँ पे ऑसिपिटल लोब्स का मतलब होता है ये ब्रेन के बैक साइड होता है और ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो कुछ पेशेंट की जो ऑसिपिटल लोब है उसको सर्जरी के थ्रू हटा दी गई है. तो इसका क्या रिजल्ट होना चाहिए कि उन पेशेंट्स को दिखाई देना बंद होना चाहिए क्योंकि ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बट ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है. दैट पर्सन फाउंड टू बी रिस्पॉन्डिंग करेक्टली टू लोकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विजुअल क्यूज़. विजुअल क्यूज़ का मतलब है जो चीज़ें उन्हें दिखाई जाती हैं वो, और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है शेप, साइज और कलर. सो ऑसिपिटल लोब को रिमूव करने के बाद भी वो लोकेशन और जो कॉन्फ़िगरेशन है चीज़ों की उनको अच्छे से करेक्टली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं. तो ऐसा क्यों, इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स उसका जो माइंड है वो अभी भी काम कर रहा है. उसका माइंड ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं है, ब्रेन के किसी एक पार्ट पे डिपेंडेंट नहीं है. जो माइंड है वो इंडिपेंडेंट है. सो यहाँ पे क्या, अगर ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज होता है और अगर हम उसे रिमूव कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि माइंड काम करना बंद कर देता है या फिर माइंड आधा काम करता है. यहाँ पे जो माइंड है वो पूरे तरीके से काम करता है. सो इसका एक और केस है, एन एथलीट लॉस्ट हिज आर्म इन अ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट बट कंटिन्यू टू फील एन आर्म एंड इट्स मूवमेंट्स. व्हेन ऑफर्ड कॉफ़ी हिज फैंटम आर्म रीच्ड आउट टू द कॉफ़ी कप एंड व्हेन समवन पुल्ड इट अवे ही प्रोटेस्टेड. सो एक एथलीट है जिसने एक्सीडेंट की वजह से अपनी आर्म लॉस्ट कर दी. सपोज उसका राइट हैंड था और वो कुछ भी लेता था या कुछ भी करता था तो उसका राइट हैंड सबसे मतलब राइट हैंड आगे आता था. तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सीडेंट के बाद में दैट पर्सन कंटिन्यू टू फील एन आर्म एंड इट्स मूवमेंट. एक्सीडेंट के बाद भी मतलब आर्म लॉस्ट होने के बाद भी वो अपनी आर्म को फील कर रहा है, उसकी मूवमेंट को फील कर रहा है. व्हेन ऑफर्ड कॉफ़ी हिज फैंटम आर्म रीच्ड आउट टू द कॉफ़ी कप. तो उसे अगर कुछ दिया जाता है तो फैंटम आर्म, फैंटम का मतलब है जो चीज़ होती नहीं है बट हम फील कर सकते हैं, लाइक घोस्ट. तो जो आर्म उसकी है नहीं वो उसी को आगे कर रहा है कोई चीज़ लेने के लिए, कॉफ़ी कप लेने के लिए. तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि जो उसका लॉस्ट आर्म है वो, ये जो चीज़ है उसके ब्रेन तक अभी तक वो सिग्नल गया नहीं है और उसका जो माइंड है वो यहाँ पे अभी भी काम कर रहा है. उसके माइंड के हिसाब से उसके पास अभी भी उसका हाथ है और वो उस हाथ को फील कर पा रहा है, उसको मतलब उसकी मूवमेंट को फील कर पा रहा है, उसके पेन को फील कर पा रहा है. देन एक और केस है, अ यंग मैन हु सफर्ड ब्रेन इंजरी इन एन एक्सीडेंट आफ्टर ही रिटर्न होम फ्रॉम द हॉस्पिटल क्लेम दैट हिज पेरेंट्स हैड बीन रिप्लेस्ड बाय देयर डुप्लीकेट्स. सो यहाँ पे एक यंग मैन है जो एक्सीडेंट की वजह से ब्रेन इंजरी होती है. सो उसकी ब्रेन सर्जरी होती है, जो वो ठीक होता है वापस घर आता है तो वो क्लेम करता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो रिप्लेस्ड हो गए हैं बाय देयर डुप्लीकेट्स. सो यहाँ पे क्या है, ब्रेन इंजरी होने के कारण जो ब्रेन सर्जरी के बाद
काम नहीं कर रहा है, उसका जो ब्रेन है वो सर्जरी के बाद काम नहीं कर रहा है, उसका माइंड काम कर रहा है और वो क्लेम करवा रहा है कि वो उसके पेरेंट्स को पहचान तो रहा है बट वो डुप्लीकेट है. सो इन सभी केसेस में ब्रेन का कोई ना कोई पार्ट डैमेज होता है बट फिर भी माइंड काम करता है. कुछ टाइम तक हमें कुछ अलग ही चीज़ परसीव करवाता है माइंड, और वो धीरे धीरे किसी चीज़ की जब आदत पड़ती है तब हमारा माइंड उससे एडजस्ट होता है. सो इन सभी में ये है कि अगर ब्रेन डैमेज होता है, उसका कोई पार्ट डैमेज होता है, अगर उसे हम रिमूव भी कर देते हैं तो जो माइंड है वो पूरे तरीके से काम करता है. देन देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर. सो माइंड और बिहेवियर के बीच में रिलेशनशिप है. बिहेवियर का हमने पहले पढ़ा था कि बिहेवियर क्या होता है, जो हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वो बिहेवियर है. सो जैसा हमारा माइंड काम करता है वैसे हमारा बिहेवियर होता है, और जैसे बिहेवियर होते हैं वैसे हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है. सो या देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर. सो इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए वी हैव अ टर्म मेंटल इमेजरी. यूज़ ऑफ मेंटल इमेजरी दैट इज़ इमेजेस जनरेटेड बाय person in his or mind have been used to cure various kinds of phobias. Like mental imagery से भी हम काफ़ी जो body में जो problems होते हैं उन्हें cure कर सकते हैं. Like कोई इंसान है, अगर उसकी कोई favorite जगह है, अगर वो बैठे बैठे उस जगह के बारे में सोचता है, वो enjoy करता है और मतलब अच्छा feel करता है, positive feel करता है, तो इससे क्या होता है उसकी body में जो problems होती हैं वो ठीक हो जाती हैं. तो जो mental imagery है वो सिर्फ अच्छा feel कराने के लिए नहीं है बल्कि वो बॉडी के जो प्रॉब्लम्स है वो उनको भी ठीक कर सकता है. लाइक मेंटली अच्छी चीज़ें सोचकर, पॉजिटिव चीज़ें सोचकर जो है वो क्योर कर सकता है. सो यहाँ पे भी माइंड और बिहेवियर के रिलेशन के बारे में बताया जाता है कि कैसे उन मतलब दोनों एक कैसे मतलब इनका रिलेशन है. सो हमारे पास एक और टर्म है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी. सो यहाँ पे क्या होता है, माइंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. साइको न्यूरो का मतलब माइंड और ब्रेन होता है, और इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है इम्यून सिस्टम. सो यहाँ पे क्या होता है, जो पेशेंट हैं उनको मतलब ये बिलीव करवाया जाता है कि वो ठीक हैं और वो ठीक हो रहे हैं. ये बिलीव करवाने के बाद उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाता है. तो इससे भी मतलब जो है पेशेंट जो है वो ठीक हो जाते हैं, और ये चीज़ एक्चुअल में होती है. सो यहाँ पे भी माइंड और बिहेवियर के रिलेशन का पता चलता है. सो जैसा हम सोचते हैं, जैसा बिलीव करते हैं, तो वो चीज़ हमारे बिहेवियर में दिखाई देती है. तो और जैसे हमारे बिहेवियर में दिखेगी, जो हमारा बिहेवियर बन जाता है वैसे हमारे बॉडी पर उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है. हमारी बॉडी भी उसी वजह से कन्वर्ट होती रहती है. सो या माइंड और जो बिहेवियर है उन दोनों के बीच में रिलेशन है. सो आज का ये टॉपिक यही ख़त्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करने के लिए डू वॉच माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.